हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लेकर आए हैं साबूदाना की टेस्टी व्रत में बनाई जाने वाली खिचड़ी। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में हम ऑयल या घी लेंगे। व्रत में हम घी डालते हैं, इसलिए हम इसमें मेल्टेड घी ऐड कर रहे हैं और इसी के साथ ही बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर दें। इसे हल्का सा फ्राई होने दें। आप चाहें तो हरी मिर्च के साथ अदरक भी ऐड कर सकते हो। फ्राई होने के बाद अब इसमें हम उबले हुए आलू को ऐड करेंगे। आलू को उबाल के छिलके छील के थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रख दें ताकि इसकी सॉगीनेस कम हो जाएगी। देखिए, तब आलू हल्के से कड़े हो जाते हैं। और इसमें आप चाहें तो कच्चा आलू भी ऐड कर सकते हो। उबला हुआ आलू ऐड करने से ये बहुत जल्दी से बन जाता है। बीच बीच में चलाते हुए गोल्डन कलर का फ्राई करें। ये देखिए, अब आलू हल्के गोल्डन कलर के फ्राई हो गए। फ्राई होने के बाद अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। अगर आप व्रत में टमाटर खाते हैं तो टमाटर ऐड करें, और अगर नहीं खाते हैं तो इसके बिना भी बना सकते हो, या आप इसे बिना व्रत के भी खा सकते हैं। टमाटर हम खूब सारा ऐड करेंगे और इसे ऐसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके मीडियम फ्लेम पे हम इसको ऐसे ढक देंगे। ढक के 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे, जब तक टमाटर हल्के हल्के गले हुए ना हो जाएं। ये देखिए, जब टमाटर कुछ ऐसे हो जाए इतना ही हम इसको फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा मैशी भी नहीं करेंगे। फ्राई होने के बाद अब इसमें हम साबूदाना ऐड करेंगे। साबूदानों को लगभग 2 घंटे के लिए ऐसे पानी से वॉश करके रख दें जिससे ये काफ़ी फूल जाते हैं। और इसमें हमने ये छोटे वाले साबूदाने लिए हैं। आप कोई भी साबूदाना ले सकते हो जो आपके पास हो। हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करके तभी ऐड करें जिससे इसमें ऐसे गुठलियाँ नहीं रहती हैं। अब इसमें हम काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप चाहें तो रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हो। इसी के साथ ही इसमें सेंधा नमक ऐड कर दें। अगर आप इसे बिना व्रत में खाना चाहते हैं तो नॉर्मल नमक भी ऐड कर सकते हो, और अगर आप व्रत में नमक नहीं खाते हैं तो नमक के बिना भी बना सकते हो, और इसे टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करें। ऐड करने के बाद एक बार मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें, नहीं तो ये जलने लगेगा। तब तक मिक्स करें जब तक साबूदाना में सारी चीज़ें बिल्कुल इक्वली ना मिक्स हो जाएं। ये देखिए, हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मिक्स करके खुला थोड़ी देर तक फ्राई करें, लगभग 1/2 मिनट तक। उसके बाद हम इसको ढक देंगे। अब इसमें हम धनिया की सूखी पत्ती ऐड करेंगे। आप चाहें तो ताजी पत्ती भी ऐड कर सकते हो। हमारे पास ये था तो हमने इसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद एक बार मिक्स कर लें, और 1/2 मिनट फ्राई होने के बाद हम इसको ढक देंगे। एक बार इसको 1/2 मिनट फ्राई करने के बाद ढक के कुक करने से साबूदाने की खिचड़ी बिल्कुल खिली खिली बनती है। ढकने के बाद बीच बीच में आप इसको चलाते भी रहें, और तब तक कुक करें जब तक साबूदाना का कलर ट्रांसपेरेंट सा ना हो जाए। ये देखिए, अभी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा दिखने लगा है। अब इसमें रोस्टेड मूँगफली ऐड करेंगे। आप चाहें तो दरदरी पीसी हुई मूँगफली भी साबूदाने के साथ ऐड कर सकती हो। इसे भी मिक्स कर लें। मिक्स करके हल्का सा ऐसे खुला ही फ्राई करें, उसके बाद फ्लेम ऑफ कर दें। ये देखिए कितनी खिली खिली और कितनी बढ़िया बनी है खिचड़ी। अब हम इसको सर्व करेंगे। आप इसे व्रत में ट्राई करें, और ऐसे भी आप इसको बना सकती हो। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें, और हमारे अगले वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thanks for watching.